हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट टेंसेस। और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज मैं आपको प्रेजेंट टेंसेस के बारे में जानकारी दूंगी, अच्छे से नॉलेज दूंगी, सारे रूल्स आपको बताऊंगी और कितना ईजी होता है प्रेजेंट के बारे में बात करना। तो आज हम प्रेजेंट को लेकर चलेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके सारे टेंसेस बता दिए थे कि कौन कौन से टेंसेस के अंदर कौन कौन से टेंसेस आते हैं। आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। अगर आप टेंसेस को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो आप कभी भी इस टेंस का यूज़ करने से कतराएंगे नहीं और आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप ये सारे टेंसेस को एक ही बार में सारे टेंसेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बार बार भूलेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टेंस किसके अंदर आता है, कौन सा टेंस किसके अंदर आता है। ये गलती एक बार मैं भी कर चुकी हूँ, इसलिए आज मैं आपके लिए सिर्फ प्रेजेंट टेंसेस को लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट रूल होता है हिंदी में इसको समझना। हिंदी में कैसे समझेंगे? जब कोई सेंटेंस में ता है, ती है, ते है का यूज होता है, यानी कि जब भी कोई हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहा है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहा है या फिर वो फ्यूचर की बातें कर रहा है। मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, तो ता है, ती है, थी। आप हिंदी में समझ पा रहे हैं आराम से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको ये तो पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, बट आपको ये नहीं पता चलता कि ये प्रेजेंट का कौन सा वाला टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस की क्या पहला रूल होता है या प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करी जाती है। सेकेंड रूल होता है इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। थर्ड रूल होता है इसका एस और ई एस का यूज करना, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर एक चीज और बताते हैं कि ये जो एस और ई एस का यूज होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ होता है। अब आप कहेंगे कि थर्ड पर्सन क्या होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई, मी, माई, आवर, या कहिए माई सेल्फ, वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, योर, योरसेल्फ और योर्स। थर्ड पर्सन शी, हर, he, him, they, them, herself, hers। तो ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैंने आपसे बोला है कि एस और ई एस का यूज होता है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ। तो थर्ड पर्सन हमारा क्या है? जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। शी, हर, ही, हिम, तो ये सारे हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह स्कूल जाती है, इसका हम कैसे बनाएंगे? शी, लड़की के लिए शी यूज़ होता है, जाती है लड़की है इसलिए शी यूज़ करेंगे। शी जाने को क्या कहते हैं? गो। आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ देखिए, ये फर्स्ट रूल क्या था? ता है ती है ते है आएंगे, यहाँ पर ता है ती है ते है आ गए। सेकेंड रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी, और जाना हमारी क्रिया है यानी कि वर्ब है, तो गो, और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है तो शी गो, इसमें ई एस आएगा, शी गोस, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। शी गोस टू स्कूल। मैं खाना खाती हूँ। आई ईट फूड। यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। आई खाती हूँ की इंग्लिश होती है ईट, और खाना यानी कि फूड, ऑब्जेक्ट हमारा आएगा बाद में। पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। इसमें नेगेटिव टेंसेस भी होते हैं जिसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका रूल होता है नेगेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं गाना नहीं गाती, मैं गाना नहीं गाती, यानी कि वो अपने बारे में बता रही है कि मैं गाना नहीं गाती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब, आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू और डज। इनडेफिनिट टेंस के लिए हम डू और डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंग a song। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इंटरोगेटिव। ये हमारा नेगेटिव था, अब हम बढ़ेंगे इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव में क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, क्या गीता किताब पढ़ना पसंद करती है? ताहत ये आ गया, क्या गीता किताब पढ़ना पसंद करती है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या वह काम करती है, ये क्या वह गाना गाती है, क्या वह खाना खाती है, क्या मैं सोती हूँ, या क्या मैं पढ़ती, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि गीता जो है इसका जो सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ डू का यूज़ होता है, और जो हमारा सेकेंड पर्सन है सेकेंड पर्सन के साथ भी डू का यूज़ होता है, और हमारा थर्ड पर्सन के साथ हमारा डज का यूज़ होता है। तो गीता जो है, क्या गीता किताब पढ़ना पसंद करती है? तो गीता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? गीता नहीं, सब पहले सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसका रूल होता है पहले जो होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। डज। सब्जेक्ट क्या है? गीता। पसंद करती है, लव, लाइक, लाइक टू रीड बुक्स। ऑब्जेक्ट कहाँ गए? यहाँ पे। तो ये हमारा इंटरोगेटिव का रूल है।